हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ हम आज का अपना ये वीडियो, तो ये वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 56 यानी कि टेस्ट पेपर 56। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, लाला लाजपत राय वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ AITUC एंड ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ INC फॉर द सेम ईयर। यानी कि लाला लाजपत राय सबसे पहले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और उसी साल वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे हैं। दूसरा है, द ट्रेड यूनियन इज इन कॉलोनियल इंडिया आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीगल एसोसिएशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी जो ट्रेड यूनियन है उसको संवैधानिक नहीं माना जाता था कब, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है A1 ओनली, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है। राय वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ AITUC इन द 1920 में ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और उसी साल कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे थे। 1926 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्रेड यूनियन एक्ट बनाया था और इसको फॉर्मलाइज किया था ताकि वो लीगल एसोसिएशन बन जाए। तो चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनियनिस्ट पार्टी। यूनियनिस्ट पार्टी के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है, इट मेनली रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड एंड एम्फसाइज्ड ऑन डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। यानी कि लैंडलॉर्ड्स के इंटरेस्ट यानी जो उनके उद्देश्य को रिप्रेजेंट करता है यानी कि दर्शाता है और डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया की बारे में ज़्यादा ये बात करता है। दूसरा है, इट हैड द स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड। ये फॉर होल्ड नहीं, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, फुट होल्ड है यानी कि उसकी उसका छाप इन दी वेस्टर्न पंजाब एंड ईस्टर्न बंगाल रीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यानी कि इसकी छाप वेस्टर्न पंजाब और ईस्टर्न बंगाल इंडिया में सबसे ज़्यादा थी। तो आपको बताना है इनके इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है वन ओनली, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही नहीं है। द यूनिस्ट पार्टी रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड लैंडेड जेंट्री एंड लैंडलॉर्ड्स ऑफ पंजाब नॉट ईस्ट बंगाल। यानी कि सिर्फ पंजाब का रिप्रेजेंट करा था बल्कि ना कि ईस्ट बंगाल का। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द मानव अटलास इनिशिएटिव विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज। हाल ही में अपने एक सुना होगा मानव अटलास इनिशिएटिव, इसके संदर्भ में बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है, इट हैज़ बीन लॉन्च टू क्रिएट अ यूनिफाइड डेटाबेस ऑफ मॉलिक्यूलर नेटवर्क ऑफ ऑल द टिश्यूज इन द ह्यूमन बॉडी एंड टू ड्राइव अ होलिस्टिक पिक्चर ऑफ वर्किंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। कहने का मतलब है इसको लॉन्च किया गया है, ह्यूमन की जितने भी नर्व्स बॉडी में जितने भी चीज़ें होती है वो किस तरह से काम करती है नेटवर्क, और उनका एक होलिस्टिक पिक्चर यानी कि उनकी एक इमेज, एक चित्र भी लोगों के सामने दिखाना है, इसका दिखाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। टिश्यूज़ के बारे में है बेसिकली। इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट कैन बी साइंड अप बाय द स्टूडेंट हु आर इन देयर फाइनल ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन एंड अबव। तो कहने का मतलब है कि इसको लॉन्च करना है किया गया डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कैन बी साइंड अप बाय, इसको साइन किया था स्टूडेंट्स ने हु आर इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन एंड अबव। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, बोथ वन एंड टू यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द UN हैबिटेट। अन हैबिटेट के संदर्भ में स्टेटमेंट है। पहला है, इट इज़ अ UN एजेंसी फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। कहने का मतलब है ये एक UN की एजेंसी, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जो कि ह्यूमन सेटलमेंट, जो लोगों के सेटलमेंट होती है यानी कि उनके रहने की जो व्यवस्थाएँ होती है उसके और उनके अर्बन डेवलपमेंट्स के बारे में बात करता है। दूसरा, इट इज़ अ मेंबर ऑफ अ UN डेवलपमेंट ग्रुप यानी UNDG का मेंबर है ये UN हैबिटेट। तीसरा, इंडिया इज़ अ मेंबर टू बी एग्जीक्यूटिव
बोर्ड ऑफ द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम असेंबली, यानी कि इंडिया इसके एग्जीक्यूटिव बॉडी का मेंबर है, जो कि पहला यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम को असेंबली किया था। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तीनों स्टेटमेंट 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। तो चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज और आर द पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्री आती हैं आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन है ए जिबूती, बी सोमालिया, थर्ड है तंजानिया और फोर्थ है एरिट्रिया। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। तो उसका सही आंसर है सी 1, 2 एंड 4, यानी कि इसमें तंजानिया नहीं आता है। द हॉर्न ऑफ अफ्रीका इज अ पेनिनसुला इन ईस्ट अफ्रीका। रेड सी आपने देखा होगा या स्वेज कैनाल, तो उसके जो टिप पे जो बना हुआ है उसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इट एक्सटेंड 100 किलोमीटर इंटू द अरेबियन सी एंड लाइज अलॉन्ग विद द सदर्न साइड ऑफ गल्फ ऑफ अडेन। गल्फ ऑफ अडेन के सदर्न साइड में यानी कि दक्षिणी हिस्से में है। इसमें कंट्री हैं जिबूती, एरिट्रिया, इथोपिया एंड सोमालिया। तो आप लोग मैप ऐसे देखते रहिए, मैप्स पे हर साल एक या दो क्वेश्चन आते ही हैं, नहीं भी आएंगे तो ये आपको मदद ही करेगा, इसमें कोई किसी तरीके का नुकसान नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, सुमेल दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सुमेल सही है। पहला है ए ट्रेंच और लोकेशन है, पहला है टोंगा पैसिफिक ओशियन में है, दूसरा जावा इंडियन ओशियन, मिंदानदनो डीप पैसिफिक ओशियन, या फोर्थ है साउथ सैंडविच अटलांटिक ओशियन। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से सही सुमेल यानी कि करेक्टली मैच्ड है। तो उसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे ही सुमेल सही हैं। जो जावा ट्रेंच है ये इंडियन ओशन में आता है और इंडोनेशिया के दक्षिणी हिस्से में आता है। जो साउथ सैंडविच ट्रेंच है ये सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का जो सदर्न टिप है सबसे निचला हिस्सा है वहाँ पर ये आता है। और ये ब्रिटिश टेरिटरी साउथ जॉर्जिया एंड साउथ सैंडविच आइलैंड है उसके बीच में है ये, मतलब ये वहाँ स्थित है। तो चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला है आर्टिकल 3 प्रोवाइड्स फॉर अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। यानी कि जो आर्टिकल 3 है उसमें नए राज्यों की फॉर्मेशन यानी कि उनके बनने की बात और उनमें से छटनी यानी कि ऑल्टरेशन की बात कही गई, यानी कि उनकी एरिया बाउंड्री किसी तरीके का नाम चेंज होता है तो किसमें मौजूद है, आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 29 प्रोवाइड फॉर अ राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी जो आर्टिकल 29 है उसमें माइनॉरिटी के संदर्भ में राइट्स मौजूद है, जैसे कि उनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाना और उन्हें चलाना यानी कि एडमिनिस्टर करना। तीसरा आर्टिकल 48 प्रोवाइड्स फॉर द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जो आर्टिकल 48 है वो ये कहता है कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से अलग है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा लिखा है नॉट करेक्टली, ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है बी 2 एंड 3, यानी कि सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट गलत हैं। जो आर्टिकल 30 है प्रोवाइड आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज़ की राइट्स को बताता है, जबकि जो जुडिशरी सेपरेशन की बात करें ये आर्टिकल 48 नहीं बल्कि 50 है। तो चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला है लिबर्टी मीन्स द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। कहने का मतलब जो लिबर्टी का मतलब होता है वो यह होता है कि किसी भी तरीके का रिस्ट्रेंट्स यानी रुकावटों को हटाना किसी भी क्रिया में किसी इंडिविजुअल आदमी के, साथ ही साथ ये लोगों को भी मदद करना कि वो उनको अपॉर्चुनिटी देना, उनको एक साधन देना ताकि वो अपने पर्सनालिटी का डेवलपमेंट यानी अपने पर्सनालिटी का ग्रोथ कर सकें। दूसरा है इक्वालिटी, इक्वालिटी मीन्स द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस
to any sections of society and the provisions of adequate opportunities for all the individual without any discrimination. यानी इक्वालिटी का मतलब होता है कि किसी भी तरीके का स्पेशल प्रिविलेज जो स्पेशल प्रिविलेज होती हैं यानी कि कुछ मुख्य अतिथि वाली बातें होती हैं उनको ये हटाता है और हर तरह की इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हर किसी को इक्वली ट्रीट करता है बिना किसी भेदभाव के यानी कि डिस्क्रिमिनेशन के. तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो इसका सही आंसर है सी बोथ वन एंड टू यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं दोनों के डेफिनेशन सही हैं. आप लोग ऐसे छोटे छोटे डेफिनेशंस को इग्नोर प्लीज़ बिल्कुल ना कीजिए. यही है आपको बड़े आंसर्स लिखने में मदद करती हैं या कई बार ऑप्शंस को मतलब कट करने में. जैसे नहीं होता चार ऑप्शन दे रखे हैं तो उसमें से कौन सा एक आप नेगलेक्ट कर दे हटा सकते हैं. यही छोटे छोटे डेफिनेशन आपको सबसे ज़्यादा मदद करती हैं. हम अक्सर इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि हाँ चलो उसके बारे में पता है बट हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता है क्योंकि इसमें छोटे छोटे प्रोविजंस हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं. ठीक है तो आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा. तो चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 है ग्लोबल सब्सिडीज इनिशिएटिव इज एन इनिशिएटिव ऑफ. जो ग्लोबल सब्सिडी इनिशिएटिव है ये किसका इनिशिएटिव है आपको बताना है. तो उसका सही आंसर है सी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी IISD का ये इनिशिएटिव है ग्लोबल सब्सिडीज इनिशिएटिव्स. तो चलिए इसी के साथ हम आज का अपने आखिरी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट. यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के संदर्भ में स्टेटमेंट है आपको बताना है कौन सा सही है. पहला है इट इज़ एन इनिशिएटिव बेस्ड ऑन CEO commitments to implement universal sustainability principle and to take steps to support UN goal. यानी इसका जो ये इनिशिएटिव है ये उन कमिटमेंट्स पे उन विचारों पे निर्भर है जो उसका काम था कि यूनिवर्सल सस्टेनेबिलिटी सिद्धांतों को अपनाना साथ ही उन गोल्स को अचीव करने के लिए सही स्टेप्स यानी सही कदम लेना. दूसरा है द कमिटमेंट्स अंडर द इनिशिएटिव्स आर लीगली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज यानी जो भी कमिटमेंट्स जो भी लोगों ने इरादे रखे हैं इसमें कि हम ऐसा करेंगे वो लीगली बाइंडिंग है यानी कि वो हवाई बातें नहीं है बल्कि लीगली बाइंडिंग है. तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो उसका सही आंसर है ए वन ओनली यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है. वी आर अ वॉलंटरी इनिशिएटिव बेस्ड ऑन CEO कमिटमेंट्स टू इम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल्स एंड टू टेक स्टेप्स टू सपोर्ट इन गोल्स. ये एक वॉलंटरी इनिशिएटिव है जिसको सभी लोगों को मानना है और ये लीगली बाइंडिंग नहीं है. ये अपने अपने विचार पे मौजूद है इसलिए इसको वॉलंटरी इनिशिएटिव कहा जाता है. तो इसी के साथ आज का हमारा ये टेस्ट पेपर ख़त्म होता है. लेकिन जाने से पहले हम आपको पिछला टेस्ट पेपर यानी GS टेस्ट पेपर 55 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आंसर बता देते हैं. आई होप आप सबका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा हो और आपने सही आंसर दिया हो. द गैस विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द पैडी फील्ड्स एंड इज इन्वॉल्व इन ग्लोबल वार्मिंग इज़. आपको बताना है कि जो चावल के खेत होते हैं उनमें से और जो ग्लोबल वार्मिंग होती है इनमें कौन सा गैस इन्वॉल्व है यानी कौन सा गैस मौजूद है. तो उसका सही आंसर है बी मीथेन. आई होप बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था आप सबका सही हो. यह राइस फील्ड कोल माइंस और डोमेस्टिक एनिमल द्वारा यह ह्यूमन रिसोर्सेज की वजह से मीथेन एमिशन होता है यानी कि निकलता है एटमॉस्फेयर में. वेटलैंड्स और जो सी हाइड्रेट्स हैं ये नेचुरल सोर्स है मीथेन एमिशंस के. तो इसकी मुख्य बात यह है कि वेटलैंड्स और जो नेचुरल सोर्सेज हैं वहाँ से सबसे ज़्यादा मीथेन निकलता है. तो चलिए इसके साथ हम आज का जीएस टेस्ट पेपर 56 का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं. आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है रिसेंटली गवर्नमेंट हैज सेट अप एन एम्पावर्ड ग्रुप फॉर कोऑर्डिनेटिंग विद द प्राइवेट सेक्टर एनजीओज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर COVID-19 रिलेटेड रिपोज एक्टिविटीज. इट इज़ चेयर्ड बाय. हाल ही में गवर्नमेंट ने एक एम्पावर्ड ग्रुप बनाया जिसमें सारे प्राइवेट सेक्टर एनजीओ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शामिल है जिसको COVID-19 रिलेटेड रिस्पॉन्स एक्टिविटी का नाम दिया गया है. तो आपको बताना है इसका इसको चेयर कौन कर रहा है यानी इसका मुखिया कौन है. ए है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, बी प्राइम मिनिस्टर, सी सीईओ ऑफ नीति आयोग या डी यूनियन हेल्थ
मिनिस्टर। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।